आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10th। उस दिन हमने स्टिच का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हमने इसके 3 पहले पढ़े थे, आज हम चौथा पढ़ते हैं। यहाँ से सुनिए। कौशिक सुनऊ मदीय बालकु कुटिल काल वस नीचे कुल घात को। कौशिक हैं जो विश्वामित्र, इनके गुरु हैं जो राम और लक्ष्मण के, उनसे वो परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र आप सुनिए, ये जो बालक है, जो लक्ष्मण जो बालक है, जो काल के बस में जा रहा है, भानु बस राकेश कलह निपट निकुश अब्द असंकु, जो सूर्य वंश में ये चंद्रमा के काले कलश के समान है, निपट निकुश अब्द असंकु, इसलिए यह उसमें संकट में पैदा हुआ है। काल कवलु हुए जन्माही कहो पुकारी कोरी मई, अगर ये काल के उसमें मुख में चला जाता है तो कहो पुकारी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको रोक लो। तुम हटकहु जो चहु उबारा कहीं प्रताप बोल राशु हमारा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसे यहाँ से हटा लो, क्योंकि इसको बताओ कि किस तरह मेरा जो क्रोध का प्रताप है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। लखनऊ कहो मुनि सजु तुम्हारा अहो अछत को बने पारा। इसमें लखन सुनकर कहते हैं कि हे मुनि तुम्हें अछत को बनना, तुम अपनी ही करनी को अपने आप बार बार कह देते हो, अपने मुख अपनी करनी, आप अपने ही बारे में दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी करनी अपने बारे में कह देते हो बार अनेक भांति भगवनी, और बार बार अपनी करनी को बता रहे हो कि जैसे आप करनी करते हो। नहीं संतेशु तु पूज कहो जनी ऋष रोकी दुख सुनऊ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे संतोष को रोक लो, जिनी ऋष को रास्त दुख भय, फिर मुझे ये दुख मत देना कि ये दुख प्राप्त हो गया। वीर वर्ती तुम धीर अगोछा गारी देत्र पब्द, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे जो वीर पुरुष होते हैं वो व्यक्ति गारी गेत्र पब्द शोभा, वह व्यक्ति कभी भी गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। आप वीर वर्ती हो, आप वीर पुरुष के समान हो, इसलिए गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करे न जान भाई आपू विद मान रन रिपु कायर कथे पाती, जो वीर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता को दिखाते हैं विधवान रूपकार, परंतु जो कायर व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी कायरता को प्रकट करता है, यानी कि अपनी कायरता दिखाता है, वो अपना बखान नहीं करता। तुम तो कालू हाकते जनुदावा बार बार मुझे लिखे बुलावा, हे लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आप तो बार बार मुझे एक उठार दिखा रहे हैं कि बार बार मुँह ही लगा और मुझे मौत की तरफ ले जा रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा कुर्सी सुधार उधर कर घोरा, और लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार जो है संभाला, संभालते हुए कहा अब जनी दोष मुहि कठोर बंदी बालक बद जो, अब कोई भी मुझे दोष मत देना, अगर ये बालक अब ये बालक बद के करने योग्य हो गया है। बाल बालकू बहुत मैं बाचा अब ये मनी हर में साचा, मैं बालक समझकर इसे बार बार छोड़ रहा था, अब ये मनिहार परंतु अब ये मृत्यु के बाद में जाना चाहता है। कौशिक का क्षम अपराधु, इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण बाल दोषो गुण गणे, हम साधु लोगों को बच्चों के गुण और दोष को नहीं देखना चाहिए। खर कुटार में अकरुण कोई, आप कुटार उतरते अच्छे नहीं लग रहे, आगे अपराधी गुरु धोई, जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति के सभी अपराधों को माफ कर देते हैं। उत्तर देते छोड़े बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, इसलिए हम मैं ये देता हूँ कि विश्वामित्र जी कहते कि ये तुम्हारे सिद्धाना किसे छोड़ दो, यही कुठार कठोरे गुरे उरन ओतो शर्म धोरे, कि कुठार को रख दीजिए और शर्म धोरे और उसको करिए। गादी सुन के हृदय हसी मुन हरी हरी सूज गदम उखाड़, इस पर वो कह रहे हैं जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उनको सारे में हरी हरियाली दिखाई दे रही है, अब ये जो कि राम लक्ष्मण को एक खाड़ के समान समझ रहे हैं, उनको ये नहीं समझ रहे कि वह लोहे के खाड़ है। केहू लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विधि संसारा, लखन कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, कि वो कहते हैं कि अभी लखन जी कहते हैं कि सील तुम्हारा जो संसार कि लखन ने तुम जो सील तुम्हारा कि इसके संसार में तुम्हारे इसको कौन नहीं जानता, माता पिते और लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे उस इस संसार में इस बात को कौन नहीं जानता, माता पिते उरे बिंद गुरु बिंद, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हो, गुरु गिरने सोच बिंद पर तो जो गुरु का जो वो है ऋण है अभी आप पर भारी है, सो जनु हमारी माथे काड़ो, इसलिए गुरु के उसको ऋण को हमारे माथे पर लगाना चाहते हो। दिन चली और ब्याज, अब उस ऋण का ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ गया है, अब आने ही बिहार बोली तरह धल, अगर आप कहते हो तो मैं उस ब्याज पर लगी हुई थैली को खोल देता हूँ कि आपने कितने ऋण लिए हैं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब पकड़ा, इस पर क्रोध होकर परशुराम जी ने अपने कुठार को उठाया और सब पूरी सभा में हाय हाय मचने लगी।
कि भृग परशु देखा मोही बृभ विचारी बद्र नृप द्रोही के मिले ने कपटू रन गाड़े जित वेदा करे के बाड़े। इस प्रकार उनके करके जो सारे राजा थे वो सबका अपने लगे अनुचित कही लोग पुकारे रघुपति सैन्य लखनु निवारे। सब लोग कहने लगे कि ये अनुचित है सारी सभा में होने लगे रघुपति सैन्य लखनु। इस प्रकार जो रामचंद्र जी थे उन्होंने इशारे से लक्ष्मण जी को इशारा किया। लखन उतर आहुदी शीरत भृगानु बढ़त देखी जल संभन और बहुत ठंडे उससे किसी के उनको रामचंद्र जी शुद्ध वचनों से परशुराम जी से बोले। वीडियो नंबर 37 है बेटा और ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं।